हेलो गाइस, आज वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं स्पिंज बीबी क्रीम का। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस क्रीम को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपको इस क्रीम को कब और किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए। आज इस क्रीम के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़, आप देख सकते हैं मेरे पास आज स्पिंज बीबी ब्राइटनिंग एंड ब्यूटी फेयरनेस क्रीम है। और सबसे पहले मैं आपको इस क्रीम के प्राइस और क्वांटिटी बता देता हूँ। सो गाइज़, ये मेरे पास 15 ग्राम का पैक है और इसका प्राइस है 72 रुपीज़। और ये क्रीम आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से इजीली मिल जाएगी। गाइज़, अब बात कर लेते हैं इस क्रीम के बेनिफिट्स की। तो ये क्रीम हमारी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देने में हेल्प करती है, मतलब कि जैसे ही हम इस क्रीम को अपने फेस पर लगाते हैं तो इस क्रीम को लगाने के बाद हमारी स्किन पहले से काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आने लगती है। और गाइज़, ये क्रीम एक क्लेम ये भी करती है कि आपके स्पॉट को कवर कर देती है। लेकिन गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट या किसी भी तरह के निशान हैं तो ये उनको कवर नहीं कर पाएगी, इसमें 100% फेल होने वाली है। और गाइज, क्या होता है कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि क्या ये क्रीम डार्क स्पॉट को रिड्यूस करती है। सो गाइज, मैं उनको बता दूं कि ये क्रीम आपके डार्क स्पॉट को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं कर पाएगी। लेकिन गाइज, मुझे इस क्रीम की एक अच्छी बात ये लगती है, अगर आप ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करते हो और आप हल्का हल्का लाइट मेकअप लुक पाना चाहते हो तो इस कंडीशन में ये क्रीम आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्योंकि जैसे ही हम इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो ये क्रीम हमें लाइट वेट मेकअप लुक देने में हेल्प करती है। गाइज, अगर आप किसी भी शादी या पार्टी में जाने से पहले लाइट वेट मेकअप लुक पाना चाहते हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको इस क्रीम को एक बार ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। ये क्रीम किसी भी शादी या पार्टी में जाने से पहले आपको लाइट वेट मेकअप लुक देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और गाइज, आप इस क्रीम को लगाने के बाद सनलाइट में भी जा सकते हो, ये क्रीम हमारी स्किन को सन से भी प्रोटेक्ट करती है। तो चलिए गाइज, मैं आपको इस क्रीम का टेक्सचर भी दिखा देता हूँ। सो गाइज, आप देख सकते हैं इस क्रीम का टेक्सचर भी वैसा ही है जैसे कि पॉन्ड्स बीबी और ग्लो एंड लवली बीबी क्रीम का होता है। और इस क्रीम को ब्लेंड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने इस क्रीम को अपने हैंड पर लगा ली है और इस क्रीम को लगाने के बाद मेरा हैंड पहले से काफ़ी ब्राइट और फेयर नज़र आने लगा है। और गाइज, मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपकी नॉर्मल या ऑयली स्किन है तो इस कंडीशन में आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो। लेकिन गाइज, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मैं आपको ये क्रीम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्रीम आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर सकती है। सो गाइज, यही था इस स्पिंज बीबी ब्राइटनिंग एंड ब्यूटी फेयरनेस क्रीम का रिव्यू। सो गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।